बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस केमिकल चेंजेस इन डेली लाइफ आर केमिकल चेंजेस इन इकोसिस्टम आर इन यूनिवर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होती हैं। केमिकल चेंजेस वो होती हैं जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे होती हैं, परमानेंट चेंजेस होती हैं और जिसमें कोई नई चीज़ या कोई नया सब्सटेंस बनता है। सो इनकी डेफिनेशन है, केमिकल चेंजेस आर एट मॉलिक्यूलर लेवल परमानेंट एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। सब्सटेंस से मुराद ये है कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी यूनिक प्रॉपर्टीज हों, जो कि प्योर मैटर हो, उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। सो केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस एंड कैन नॉट बी रिवर्स बाई ऑर्डिनरी मीन्स। केमिकल चेंजेस की अगर कुछ एग्जाम्पल्स हम देखें तो केमिकल चेंजेस की एग्जाम्पल हैं रस्टिंग, जिसको हम जंग कहते हैं, डिकम्पोजिशन, जिसको हम टूटना कहते हैं, बर्निंग, जलने का अमल, रिस्पायरेशन, जिसको हम सांस लेना या ब्रीदिंग भी समटाइम कह सकते हैं, और फर्मेंटेशन। डिटेल में जब आएंगे तो रिस्पायरेशन के आगे फर्दर दो कैटेगरीज उनको डिस्कस हम करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक डेली लाइफ का प्रोसेस है। ये वो प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए हम चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। सो बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच यीस्ट आर बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट। जो भी चीज हम बनाना चाह रहे हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं यीस्ट बैक्टीरिया यानी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके। फर्मेंटेशन के लिए जो ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, यानी कि ऑप्टिमम कंडीशंस। ऑप्टिमम कंडीशंस का मतलब होता है वो कंडीशन जिस पे कोई प्रोसेस बेहतर परफॉर्म करता है या बेहतर रिजल्ट देता है। इसकी एग्जांपल कुछ यूं हो सकती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एसिड में या अल्कोहल में। और कार्बोहाइड्रेट से मुराद शुगर है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कैन में शुगर कैन को या मोलेसिस को, जो कि शुगर बनने के बाद जो जूस होता है, उसको अगर आप किसी ड्रम में या किसी कैन में रख के उसमें यीस्ट डाल दें तो कुछ टाइम के बाद वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक एनारोबिक प्रोसेस है। एनारोबिक प्रोसेस से मुराद ऑक्सीजन फ्री प्रोसेस है, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी इसमें ज़रूरी नहीं है। और डेली लाइफ में जो हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं वो बेकरी आइटम्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि डबल रोटी हो गई, शीरमाल वगैरह हो गए, या बेकरी के जो आइटम्स हैं। इसके अलावा कर्ड्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मक्खन और दही वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के बाद एक और केमिकल प्रोसेस या केमिकल चेंज दैट इज़ कॉल्ड डिकम्पोजिशन। अभी मैंने बताया था कि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का टूटना फूटना। डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन इज अ ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स मटीरियल एंड टू सिंपलर वन। यानी कम्प्लेक्स मटीरियल, कम्प्लेक्स से मुराद पेचीदा मटीरियल जिनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं सिंपल मटीरियल में। इसके लिए नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें यूज हो सकती हैं, जैसे कि हम ज़मीन में देखते हैं अर्थफॉर्म यूज़ होती है, कुछ और ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं, बट यहाँ पे हम बैक्टीरिया की एग्जांपल मेन लेते हैं। बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के डिकम्पोजर्स हैं। और नॉर्मल ये होता है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स की जो बॉडीज होती हैं वो कम्प्लेक्स मटीरियल की बनी होती हैं। सो कम्प्लेक्स मटीरियल को बैक्टीरिया ब्रेकअप कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। फॉर एग्जांपल अगर कोई एनिमल मर जाता है या दफन हो जाता है, और कोई बड़ा प्लांट मर जाता है ज़मीन के अंदर जब बरी होता है, तो उसकी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू होता है, उसकी तोड़ फोड़ का प्रोसेस शुरू होता है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर रिसाइकलिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट इज कैरीड आउट। यानी आप ये कह सकते हैं कि मटीरियल की रिसाइकलिंग होती है जिसके अंदर सॉयल को न्यूट्रिएंट्स दोबारा मिलते हैं। यानी प्लांट्स से जो सॉयल से जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में जाते हैं और वो फिर नेचर में जाते हैं, कभी एनिमल्स की बॉडी में या डिफरेंट सोर्सेज में, तो सॉयल के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इम्पॉर्टेंट मिनरल्स या एलिमेंट्स हो जाती है।
तो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से वो मटेरियल वापस चले जाते हैं और आप यूं कह सकते हैं कि एक नेचुरल मैन्योर मिल जाता है, खाद मिल जाती है सॉइल को। और नॉर्मली जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होता है किसी भी नेचुरल का। तो ये जो दो प्रोसेस हैं, फर्मेंटेशन और डिकम्पोजिशन, ये नेचुरल प्रोसेस हैं। जो बाकी तीन प्रोसेस हैं, बर्निंग, रिस्पायरेशन और फर्मेंटेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द प्रोसेस विच आर यूज्ड इन डेली लाइफ और दीज आर द प्रोसेस विच आर ऑफ नेचुरल ओरिजिन।